एवरीवन hey तो so, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर उसका पेपर फर्स्ट का जो टाइटल ये है पेपर फर्स्ट का इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश ठीक है इसकी यूनिट वन चल रही है हमारी जो है प्रोज जिसके अंदर एक ही चैप्टर है बाकी यूनिट्स के अंदर एक से ज़्यादा चैप्टर है पर इस वाली यूनिट वन में एक ही चैप्टर है जो है हमारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ठीक है ये जो ये एक ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई और आज की वीडियो में हम इससे इसके एम सी क्यू क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे इस चैप्टर के जो भी हमारे प्रश्न हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे ही हम आज की वीडियो में कवर करेंगे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सब मेरी पढ़ा दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो जरूर देख लें उससे क्या होगा आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्वेश्चन से ठीक है अगर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं आप सिर्फ एम सी क्यू क्वेश्चन भी देख सकते हैं क्योंकि वो जो सब मेरी है फुल ऑटोबायोग्राफी की है तो वो काफी लॉन्ग है मतलब पांच वीडियो है उसकी पर अगर आप डबल स्पीड आपको उसमें कुछ नहीं करना है बस उसको सुनना है अच्छे से ठीक है तो अगर वो देख लेंगे तब भी अच्छा रहेगा आपके लिए अगर नहीं देखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ये क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं आराम से ठीक है तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपका एम सी क्यू इस बार ज़्यादातर यूपी स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सबका एम सी क्यू पैटर्न है तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ एम सी क्यू नहीं रटने हैं ठीक है ऑथर के बारे में राइटर के बारे में पढ़ना है उसकी सबेरी भी पढ़ना है और फैक्ट्स भी पढ़ना है और एम सी क्यू क्वेश्चन भी सिर्फ टॉप फिफ्टी टॉप हंड्रेड नहीं करने हैं जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना है वो सब करने हैं तभी हमारी अच्छी मतलब तैयारी हो पाएगी एग्जाम के लिए ठीक है और ये जो सिलेबस है हमारा वो आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लें क्योंकि यूपी स्टेट की इ, सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सिमिलर ही होता है पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आगे पीछे हैं मैंने देखा है कई यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो कुछ कुछ टॉपिक चेंज है तो प्लीज़ आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से देख लें उसके बाद ही ये टॉपिक करें ठीक है तो अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहली फर्स्ट वीडियो में भी मैंने इस टॉपिक की बता दिया है कि कौन सी चीज क्या है तो फिर भी हम दोबारा देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसका फुल नेम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ठीक है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी है आत्मकथा है ठीक है ये पब्लिश कब हुई थी तो डेट हमेशा याद रखना ये आ सकती है 1925 टू तो 1929 ये इकट्ठा मतलब एक बुक की तरह पब्लिश नहीं हुई थी ये सीरियल वाइज पब्लिश हुई थी ठीक है और ये इसको ओरिजिनली लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखी गई है ये इंग्लिश में नहीं लिखी गई है ये गुजराती में लिखी गई है ठीक है गांधी जी के द्वारा गुजराती में इसको लिखा गया है और इसको ट्रांसलेटेड किसने किया इंग्लिश में तो महादेव देसाई ने ट्रांसलेट किया है ये सेक्रेटरी थे गांधी जी के इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया और इसका टाइटल गुजराती में टाइटल क्या था इसका सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा ये भी क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे अभी आप देखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए इसको नोट करते जाइए या फिर पी डी एफ आपको मिली जाएगी टेलीग्राम पर ठीक है तो महात्मा गांधी जी के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत ठीक है इनका नेम क्या है पूरा मोहनदास करमचंद गांधी बेसिक सी चीजें हैं सबको पता ही होना चाहिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था सेकेंड अक्टूबर 1869 में पोरबंदर पोर पोरबंदर गुजरात में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 1869 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी थर्टी जनवरी 1940 uh, 1948 में एज थी 78 ठीक है और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली में ठीक है जन्म कहाँ हुआ था पोरबंदर में और मृत्यु कहाँ हुई थी न्यू दिल्ली में और uh, ए, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या थी इनकी सेकेंड अक्टूबर एटीन सिक्सटी नाइन ठीक है ये क्वेश्चन में आ सकते हैं तो याद रखिएगा और रेस्टिंग प्लेस क्या था राजघाट दहली में ही ठीक है और पेरेंट्स के नाम देख लेते हैं करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था फादर का नाम था पुतली भाई इनकी माता मतलब मदर का नाम था ठीक है वाइफ का नाम क्या था कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी चिल्ड्रंस के नेम क्या थे हरिलाल मनीलाल रामलाल और देवदास सेक्रेटरी का नाम क्या था महादेव देसाई ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से अब हम देख लेते हैं इससे भी क्वेश्चंस आएंगे ठीक है ये मत समझना है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस तो हैं ही इम्पॉर्टेंट तो हम अपने क्वेश्चंस अब आते हैं क्वेश्चंस पर तो देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज इज द ऑफ मोहनदास गांधी करमचंद गांधी क्या है ये मतलब यहाँ पर डैश होगा ये है क्या चीज करमचंद गांधी जी की क्या चीज है बायोग्राफी है या फिर ऑटोबायोग्राफी है या मेमर है या रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी है तो ये क्या है एक ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की ठीक है क्या है आत्मकथा है गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है उन्हीं के बारे में है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू ओरिजिनली इट वॉज रिटिन इन बाय द टाइटल सत्या ना प्रयोगो अथवा आत्मकथा मतलब इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था ओरिजिनली में इसको लिखा गया था गुजराती में और जिसका टाइटल ताइ क्या था सत्याना प्रयोगो अथवा आत्मकथा ठीक है ये याद रखना सत्याना प्रयोगो अथवा आत्मकथा ये इसका टाइटल था गुजराती वाला नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द ऑटोबायोग्राफी कवर्स हिज लाइफ फ्रॉम एयरली चाइल्डहुड थ्रू टू Uh, इसका ऑप्शन इसमें नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी वन नाइनटीन ट्वेंटी टू या नाइन्टीन ट्वेंटी थ्री तो इसका आंसर है हमारा बी नाइनटीन ट्वेंटी वन नाइन्टीन ट्वेंटी वन तक मतलब जो इनकी लाइफ का ऑटोबायोग्राफी में बचपन से लेकर इन्होंने अब नाइन्टीन ट्वेंटी वन तक लिखा है ठीक है अपने बारे में गांधी जी ने नैक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फोर जिसमें लिखा है द बायोग्राफी वास पब्लिश्ड इन हिज जर्नल फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी फाइव टू नाइनटीन ट्वेंटी नाइन इन वीकली इंस्टॉलमेंट मतलब ये वीकली इंस्टॉलमेंट पर पब्लिश्ड होती थी ये जो ऑटोबायोग्राफी थी गांधी जी की पर किस में पब्लिश्ड होती थी तो ये होती थी नवजीवन में पब्लिश्ड ठीक है नवजीवन में पब्लिश्ड होती थी ये आ, गांधी जी की ऑटो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव इन विच जनरल अपेयर्ड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी इन इंस्टॉलमेंट्स मतलब जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था तो उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट में किस में पब्लिश होती थी तो ये होती थी हमारी इंग यंग इंडिया में सॉरी यंग इंडिया में पब्लिश्ड होती थी ये हमारी ठीक है आंसर होगा इसका ए यंग इंडिया नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स जिसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज डिजाइंड एज वन ऑफ द हंड्रेड बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी मतलब जो ट्वेंटी सेंचुरी की हंड्रेड बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स माना गया है जिसे उसके अंदर कौन सी बुक आती है ट्वेंटी सेंचुरी का पूछा है इसमें ऑप्शन इसमें भगवन गीता भगवत गीता सॉरी भगवत गीता रामायण द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या होम रूल इन इंडिया होम रूल इंडिया तो इसका आंसर है हमारा सी द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ट्वेंटी सेंचुरी में हंड्रेड बेस्ट स्पिरिचुअल बुक्स के अंदर ही आती है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी सेवन मिस है यहाँ पर मतलब सेवन है ही नहीं वो नंबर ही गलत हो गई है क्वेश्चन नंबर एट है ये जिसमें क्वेश्चन है द ऑटोबायोग्राफी वाज कंप्लीटेड इन ऑप्शन है इसमें फेब नाइनटीन ट्वेंटी नाइन अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी नाइन जून नाइनटीन ट्वेंटी नाइन या अगस्त 1929 तो इसका आंसर है हमारा एट का मतलब इन्होंने ये पूछा है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट कब हुई थी तो इसका आंसर है हमारा ये हुई थी थ्री फेब नाइनटीन को कब हुई थी थ्री फेब नाइनटीन को आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन वैन गांधी जी बिगेन राइटिंग हिज ऑटो बायोग्रा ऑटो बायोग्राफी मतलब गांधी जी ने अपनी आत्मकथा कब लिखना स्टार्ट की थी ऑप्शन है इसमें ए इन द विटर ऑफ़ नाइनटीन ट्वेंटी फोर एट द एट द एज ऑफ फिफ्टी फाइव बी है इन द विटर ऑफ़ नाइनटीन ट्वेंटी थ्री एट द एज ऑफ फिफ्टी फोर बी है सी है हमारा इन द विटर ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी टू एट द एज ऑफ फिफ्टी थ्री डी है इन द विंटर ऑफ 1925 एट द एज ऑफ 56 तो इसका हमारा आंसर है डी मतलब नवंबर में 25 नवंबर से मतलब 25 नवंबर 1925 से जब ये छप्पन वर्ष के थे तब से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था अपनी ऑटो आत्मकथा को और कब तक लिखा था थ्री फेव नाइनटीन ट्वेंटी नाइन तक लिखा था याद रखना नाइनटीन ट्वेंटी फाइव मतलब चार साल इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और इसी से, मतलब इसी तरह से वो पब्लिश भी हुई थी मतलब सीरियल वाइज पब्लिश हुई थी एक इकट्ठा बुक की तरह पब्लिश नहीं हुई थी ये चीज़ भी याद रखना इंस्टॉलमेंट पे सीरियल वाइज पब्लिश हुई थी ये कब से हुई थी नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी फाइव से नाइनटीन ट्वेंटी नाइन ठीक है नेक्स्ट है हमारा ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए ये तो जरूरी याद रखना नेक्स्ट है, है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन द ऑटोबायोग्राफी वाज रिटन एंड सीरियलाइज ओवर द पीरियड फ्रॉम ट्वेंटी फाइव नवम्बर नाइनटीन टू मतलब कब तक हुई थी ये कब तक लिख, लिखी थी उन्होंने और कब तक मतलब सीरियल वाइज पब्लिश हुई थी तो ये हुई थी ट्वेंटी फाइव नवंबर नाइनटीन ट्वेंटी फाइव से थ्री फेव नाइनटीन ट्वेंटी नाइन तक ठीक है आंसर क्या होगा इसका डी पहले बताया भी था थ्री फेव नाइनटीन ट्वेंटी नाइन डेट भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन ये पहले हम uh, जो नोट्स में भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन uh, है हमारा हु ट्रांसलेटेड द ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश मतलब जो आत्मकथा थी गांधी जी की उसको ट्रांसलेट किसने किया ऑरिजिनल तो गुजराती में लिखी गई थी वो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया ऑप्शन देख लेते हैं ए ऑप्शन है महादेव देसाई ने बी है महेश्वरता देवी ने सी है किरण देसाई ने या डी है चंपा लहरी ने तो, तो इसका आंसर है हमारा ए महादेव देसाई जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे ठीक है इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कवर्स गांधीज लाइफ राइट फ्रॉम हिज इयरली चाइल्ड हुड टू मतलब जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी उसने किस पीरियड को कवर किया था मतलब कब से कब तक मतलब उन्होंने अपने बारे में कहाँ से कहाँ तक लिखा था ठीक है तो उसको बताना है कि कब से कब तक अपनी लाइफ कब से कब तक की लाइफ के बारे में अपनी लिखा था उन्होंने अपनी आत्मकथा में तो बचपन से लिखा था उन्होंने 1921 तक क्वेश्चन पहले भी आया था ठीक है इसका आंसर होगा ए 1920 मतलब बचपन से लेकर 1921 तक उनका जो जीवन रहा उसके बारे में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज नॉट रिटिन इन अ बुक फॉर्म मतलब जो ऑटोबायोग्राफी uh, है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वो बुक uh, के फॉर्म में नहीं थी बट इट इज रिटेन इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स एंड पब्लिश्ड इन वो uh, एक वीकली uh, इंस्टॉलमेंट की तरह पब्लिश्ड होती थी और वो कब कब पब्लिश्ड हुई थी ये बताना है तो गुजराती में तो यंग इंडिया में हुई थी पर हिंदी सॉरी इंग्लिश में तो यंग इंडिया में हुई थी पर गुजराती में ही हमें बताना है वो हुई थी नवजीवन में हुई थी फ्रॉम 1925 से 1929 तक ठीक है नवजीवन में और इंग्लिश में हुई थी यंग इंडिया में ठीक है तो 14 का आंसर इन्होंने इसमें लिखा नहीं है कि गुजराती में या इंग्लिश में पर हम ओरिजिनल वाले को ही लेकर चलेंगे तो आंसर होगा इसका फोर्टीन का बी नवजीवन फ्रॉम 1925 टू 1929 नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 15 द इंग्लिश ट्रांसलेशंस इज पब्लिश्ड इन मतलब जो इंग्लिश का जो इसका ऑटोबायोग्राफी जो इंग्लिश में थी वो कब बब, किस में पब्लिश्ड हुई थी तो इसका आंसर होगा सी यंग इंडिया और ये यंग इंडिया और नवजीवन है क्या तो ये क्या है ये एक पत्रिका टाइप की होती थी वीकली मतलब साप्ताहिक समाचार पत्रिका टाइप की होती थी ठीक है पत्र टाइप की होती थी उसी में ही ये पब्लिश हुआ था जो हमारा ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की वो उसी में पब्लिश हुई थी ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हु मोटिवेट हु मोटिवेटेड गांधी जी टू राइट द ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हुआ था कहानी में गांधी जी अपनी मतलब आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे वो कह रहे थे कि ये तो अंग्रेज़ों का काम है कथा वगैरह लिखना मैं क्यों लिखूं पर फिर भी उन्होंने लिखा ताकि उनके बारे में मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं सच के साथ वो लोगों को पता चल चल जाए और उन्हें कुछ सीख मिले उससे इसलिए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी पर वो किसके कहने पर लिखी ये बताना है हमें किसने उन्हें एडवाइस दी कि लिखो लिखो तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी तो वो कौन थे ये बताना है ऑप्शन इसमें स्वामी आनंद एंड गांधी कोवर्कर्स बी है ऑप्शन स्वामी अभियान अभियानंद एंड कोवर्कर्स सी ऑप्शन कस्तूरबा गांधी एंड कोवर्कर्स डी है नेहरू एंड स्वामी अभियानंद अभियानंद तो इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का ए स्वामी आनंद जी ने और उनके गांधी जी के जो कोवर्कर्स थे उन्होंने कहा कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए ठीक है उन्होंने सलाह दी ऑटोबायोग्राफी लिखने की गांधी जी को किसने स्वामी आनंद जी ने और गांधी जी के जो कोवर्कर्स थे उन्होंने नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज डि डिवाइडेड इंटू जो हमारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है वो कई पार्ट में डिवाइड है तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये बताना है ऑप्शन है इसमें फाइव पार्ट्स बी है सिक्स पार्ट्स सी है सेवन पार्ट्स डी है टेन पार्ट्स तो इसका आंसर होगा ए फाइव पार्ट्स ठीक है फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड है ये और फाइव पार्ट्स को हम पढ़ चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वो जाके ज़रूर देख लें ठीक है नेक्स्ट uh, है हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन प्लेइंग द हजबेंड आ ट्रेजिडी माई फादर्स डेथ एंड माई डबल शेम शेम मतलब शर्म आना माई चॉइस माई हेल्पनेस अपियर इन ये मतलब अपियर इन द पार्ट मतलब ये जो लाइन्स हैं वो जो हमारी ऑटोबायोग्राफी है उसमें किस पार्ट में आती हैं ये लाइन्स की प्लेइंग द हस्बैंड्स आर ट्रेजेडी एक दुखद कहानी माय फादर्स डेथ एंड माय डबल शेम माय चॉइस माय हेल्प हर, हेल्पनेस अगर आपने सब मेरी पढ़ी होगी इसकी तो इजीली आप इसको बता देंगे ये हमारा पार्ट वन में आता है ठीक है आंसर होगा इसका बी पार्ट वन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वट इज द ऑरिजिनल कास्ट ऑफ द गांधीज गांधी जी की ओरिजिनल कास्ट जाति क्या थी ऑप्शन इसमें ए ब्राह्मीण बी है कश्तिया सी है बनिया डी है दलित तो इसका आंसर होगा सी बनिया ठीक है जो ओरिजिनल जाति थी गांधी जी की वो क्या थी बनिया नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी महात्मा गांधी वास बोर्न ये हमने पहले भी पढ़ा है बताइए आप इसका आंसर ऑप्शन एस में द्वक टू सेकेंड अक्टूबर एटीन सिक्सटी नाइन बी है सेकेंड अक्टूबर एटीन सेवनटीन एटीन सेवेंटी ठीक है सी uh, है सेकेंड अक्टूबर एटीन सेवेंटी वन डी है टू सेकेंड अक्टूबर एटीन सेवेंटी टू तो इसका आंसर होगा ए टू अक्टूबर टू अक्टूबर एटीन सिक्सटी नाइन ये तो सबको पता ही होना चाहिए आंसर होगा इसका ए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ट्वेंटी वन महात्मा गांधी डाइड इन मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी ऑप्शन है इसमें थर्टी जैन नाइनटीन फोर्टी एट थर्टी जैन नाइनटीन फोर्टी नाइन थर्टी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी थर्टी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी वन तो ट्वेंटी वन का हमारा आंसर है ए थर्टीन जनवरी नाइनटीन फोर्टी एट में उनकी मृत्यु हुई कहाँ हुई थी दिल्ली में हुई थी जब कितनी एज के हो गए थे ये सेवेंटी एट हो गई थी इनकी एज तब हुई थी और जन्म कहाँ मतलब किस जगह हुआ था वो हुआ था पोरबंदर में गुजरात में ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वॉट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं ऑप्शन इसमें है मोहनदास करमचंद गांधी बी है करमचंद गांधी सी है बोथ या डी है नॉन ऑफ दैम तो ट्वेंटी टू का हमारा आंसर है ए मोहनदास करमचंद गांधी आंसर है इसका ए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द कंप्लीट टाइटल ऑफ गांधीज़ ऑटोबायोग्राफी इज मतलब जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है आत्मकथा है उसका पूरा टाइटल क्या है ऑप्शन है इसमें एन बायोग्राफी और स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बी है एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ सी uh, है आ मेम और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ तो इसका आंसर है हमारा ट्वेंटी थ्री का आंसर है बी uh, फुल नाम क्या है एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ आंसर बी uh, हो सकता है कि ऑप्शन में सिर्फ इतना भी लिखा हो तो भी आंसर बी होगा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन uh, नंबर ट्वेंटी फोर डांडी सोल्ट मार्च डांडी सॉल्ट मार्च जब हुई थी वो कब हुई थी ऑप्शन इसमें ए नाइनटीन थर्टीन में नाइनटीन थर्टी टू में नाइनटीन थर्टी वन में नाइनटीन थर्टी थ्री में तो ट्वेंटी फोर का हमारा आंसर है ए नाइनटीन थर्टी में हुई थी कब हुई थी नाइनटीन थर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब वैसे भी जी के के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव जो है गांधीज बर्थडे सेकेंड अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज मतलब जो गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है दो अक्टूबर को वो किसकी तरह मनाया जाता है ऑप्शन है इसमें ए इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस बी है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सी है नेशनल डे ऑफ वायलेंस डी है नॉन ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा हमारा ट्वेंटी फाइव का आंसर क्या होगा आप बताओ बी होगा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का डे की तरह मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी आपको पता ही होगा अहिंसा ही चाहते थे वो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे ठीक है अहिंसा कोई तोड़फोड़ नहीं चाहते थे वो सब कुछ चाहते थे कि शांति में हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्वेंटी uh, द स्टोरीज ऑफ श्रवण कुमार एंड राजा हरीश्चंद इन्फ्लुएंस्ड मतलब जो श्रवण कुमार की स्टोरी हुई थी और राजा हरीश चंद की स्टोरी हुई थी वो किसे प्रभावित करती है अगर आपने सब मेरी वीडियो देखी होगी तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि, जो गांधी जी थे वो इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए थे चंद्र जो शिरवन कुमार का पित्र वाला जो स्टोरी आता था उससे बहुत उन पर प्रभाव पड़ा था और हरीश चंद के नाटक से भी प्रभाव पड़ा था तो इसका आंसर क्या होगा ए होगा महात्मा गांधी किस पर प्रभाव पड़ा था महात्मा गांधी जी के ऊपर प्रभाव पड़ा था इस दो चीज़ों इन इन लोगों के टेक्स्ट का ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन हु स्टडीज लॉ Uh, मतलब किसने लॉ की पढ़ाई की थी एंड ज्यूरिज्रूडेंस इन लंडन लंदन में किसने लॉ की पढ़ाई करी थी इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा इसका आंसर है सी महात्मा गांधी ने लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई करी थी और ठीक है और वक, वकालत पूरी कर पूरी करी थी ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वाज गांधी बॉर्न ये हमने पहले ही पढ़ा है आपको अच्छे से इसका आंसर पता होगा ऑप्शन है इसमें ए दिल्ली बी साउथ अफ्रीका सी बॉम्बे डी पोरबंदर तो इसका आंसर है डी पोरबंदर इसके जगह गुजरात भी लिखा आ सकता था क्योंकि ये पोरबंदर जो है वो गुजरात में ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वाज द नेम ऑफ गांधी फादर गांधी जी के पिता का क्या नाम था ऑप्शन है इसमें है जवाहरलाल नेहरू बी करमचंद गांधी सी पुतलीबाई डी मोहनदास तो ट्वेंटी नाइन का हमारा आंसर है बी करमचंद गांधी जो गांधी जी के पिता थे उनका नाम क्या था करमचंद ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट वॉट एज वाज गांधी मैरिड मतलब कितने क्या एज थी जब उनकी शादी हुई थी गांधी जी का ऑप्शन है इसमें थर्टीन बी है टेन सी है फिफ्टीन डी uh, है एटीन तो इसका आंसर है ए थर्टीन तेरह वर्ष के थे जब वो तभी उनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा से ठीक है आंसर होगा ए थर्टीन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वट वाज द गांधीज वाइफ्स नेम मतलब गांधी जी की ए, पत्नी का नाम क्या था ऑप्शन है इसमें पुतली बाई बी है करमचंद सी है इंदिरा डी है कस्तूरबा तो आंसर इसका डी कस्तूरबा ठीक है गांधी जी की वाइफ का नेम क्या था कस्तूरबा पुतली बाई कौन थी उनकी माता थी तो इसका आंसर क्या है डी कस्तूरबा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू डिड गांधी गो टू इंग्लैंड टू स्टडी आफ्टर हिज फादर डेथ ऑप्शन है इसमें मतलब गांधी जी इंग्लैंड क्यों गए थे अपनी पिता की मूर्तियो के कुछ टाइम बाद गांधी जी इंग्लैंड क्यों गए थे ऑप्शन है इसमें मेडिसिन की स्टडी करने लॉ की स्टडी करने रिलीजन की स्टडी करने या फिलोजफी की स्टडी करने तो इसका आंसर होगा बी लॉ पढ़ लॉ की स्टडी करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हाउ हाउ ओल्ड वाज गांधी व्हेन ही वेंट टू लंडन जब गांधी जी लंदन गए थे तो उनकी एज क्या थी ऑप्शन है इसमें ए नाइनटीन बी है ट्वेंटी फाइव सी है सेवनटीन डी है ट्वेंटी वन तो थर्टी थ्री का हमारा आंसर है ए नाइनटीन उनकी एज क्या थी नाइनटीन थी उन्नीस वर्ष के थे जब वो तब गए थे लंदन लॉ की पढ़ाई करने नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है महाआत्मा इस वीडियो का लास्ट है ठीक है इस चैप्टर के तो और भी क्वेश्चन है मैं भी बताऊंगी आगे क्वेश्चन है हमारा महात्मा मीन्स क्या होता है महात्मा का अर्थ क्या है ऑप्शन है इसमें ग्रेट सोल ग्रेट मैन ग्रेट लीडर मैन ऑफ जस्टिस तो इसका आंसर है आ महा आत्मा किससे है महान आत्मा ठीक है इसका मतलब क्या होगा ग्रेट सोल ठीक है महान आत्मा आंसर होगा इसका ए तो ये हमारी लास्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का पर ये अभी इसकी ये वीडियो हमारी लास्ट नहीं है इस चैप्टर की एक वीडियो और आनी है वो थर्ट मतलब ट्वेंटी या थर्टी डेज के बाद ही आ पाएगी और वो जो है वीडियो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आपका ये चैप्टर अधूरा ही रहेगा ठीक है इसमें से इसमें से आपने ये क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर वो जो वीडियो आएगी ट्वेंटी या थर्टी डेज वन मंथ के बाद वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए ठीक है अगर आप मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं है एग्ज़ाम टू मंथ या वन मंथ के बाद ही होंगे वन टू मंथ के बाद ही होंगे एग्ज़ाम ठीक है तो आप थोड़ा वेट करिए उस वीडियो के लिए ट्वेंटी या थर्टी डेज के बाद आ ही जाएगी वो वीडियो थर्टी डे अभी मैं कह नहीं सकती कुछ वन मंथ भी लग सकता है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें आपको वेट करना होगा और बाकी तो हमारे ये क्वेश्चन और रसम तो हो ही गई है पर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है एग्जाम में क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के मैं अभी से बता दे रही हूँ तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये आपके लिए ही हेल्पफुल होगा लगभग ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं होती है और अगर आप हमारे

पढ़ेंगे उसका भी हमारा यही सीख मतलब यही रहेगा कि पहले हम टॉपिक के बारे में अच्छे से जान लेंगे क्या है इसमें और किसके बारे में है ठीक है उसके बाद हम अपने एम सी करेंगे तो उस वीडियो को भी देख लेना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैंने ना पूरी प्लेलिस्ट बना दी है एम सी की मतलब सब मेरी की अलग और जो है हमारी कौन एमसी क्वेश्चन की अलग प्ले लिस्ट बनाती है चैनल के प्ले लिस्ट वाले सेशन में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दोनों प्ले लिस्ट मिल जाएंगी वहां से आप आराम से मिल जाएंगी आपको वीडियो सारी ठीक है सिक्स सेमिस्टर इंग्लिश से रिलेटेड और हाँ इसकी पी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है ठीक है वो सिक्स सेमेस्टर का जितना भी मटेरियल है वो वहीं पर अपलोड होगा और बाकी एक एक्स्ट्रा चैनल भी है हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है मतलब तो उस पर भी आप ऐड हो सकते हैं वहाँ से भी आपको मतलब जो भी हमारी अपडेट होगी पी वगैरह होंगी वो वहाँ पर भी मिल जाएंगी अगर आप डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्ट पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात है अगर वहाँ से नहीं हो पाता है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा लर्न विद यूपी गर्ल तो आपके सामने मतलब ग्रुप आ जाएगा और वहाँ जाकर ऐड हो जाइएगा ठीक है वरना डिस्क्रिप्शन वाला तो बेस्ट है वहीं पर डिस्क्रिप्शन में जाकर पी का लिखा होगा उसके नीचे एक लिंक दिया होगा वहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको ग्रुप पर पहुँच जाएंगे और वहाँ आपको पी मिल जाएगी ठीक है ठीक है तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग